जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शुद्धोधन विष्णु पठाड़े है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। आज मेरा एशिया टेलीकॉम में दूसरा दिन है, दूसरी क्लास चल रही है हमारी आज। हमको आज तक इससे पहले मैंने कभी आईसी का काम किया नहीं था, लेकिन आज दूसरा ही दिन है। मैं अब कौन सा भी आईसी रिवॉल्व कर सकता हूँ। मैं सीपीयू का काम किया हुआ आज सुबह, और कल मैं एएमएमसी का काम किया हूँ, और आज हमने पावर का भी काम किया है। अभी हमने पावर का ही काम कर रहा हूँ। और आज कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट पूरा क्लियर है अभी। पहले कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं था पहले कंपोनेंट के बारे में मेरे को, लेकिन देव सर ने जो पढ़ाया है सब कंपोनेंट के बारे में, अब मैं कंपोनेंट के बारे में नो डाउट सब क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। जी सर जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम धीरज चौहान है, मैं नासिक से हूँ, और आज हमारा दूसरा दिन है। आज हमारी सुबह सीपीयू रिवॉल्विंग की क्लास हुई, और कंपोनेंट के बारे में जो नॉलेज था वो सब दिया गया हमको, और अभी हम पावर आई से निकाल कर रिवॉल्व करके लगा रहे हैं। तो जो आपको कंपोनेंट का नॉलेज दिया गया, तो वो आपको समझ में आया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से। कितना जी आर आता है, कितना वैल्यू, जी सारा चीज टेस्टिंग समझ में आई आपको? जी बिल्कुल, मल्टीमीटर का इतना नॉलेज, पहले नॉलेज नहीं था मुझे जी। अभी मल्टीमीटर भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। मल्टीमीटर की सहायता से मैं मोबाइल में जो कंपोनेंट्स है उसकी मैं सब वैल्यू और उनकी कितने जी आर निकाल सकता हूं। लगा है, कितने जी, जी, आर जी बिल्कुल आते हैं, है ना? बिल्कुल, ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है स्टेप बाई स्टेप। जी बिल्कुल, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए ठीक है, और वो भी ट्रिक की सहायता से। जी चलिए ठीक, थैंक यू। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी सर, मेरा नाम एजाज कुरैशी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ जी। और आज का दिन जो है वो हमारा रिवॉल्विंग से लेके तो सीपीयू ईएमएमसी पे था, आज वो सब हमने डन किया है जी। और मैं ये आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ आके मिल रहा है। और उसके बाद में आगे की जो है, जो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक हमारे को दो या तीन दिन में मिल चुका है। बस इतना कह के मैं ऐसे दो दिन सेकेंड डे की क्लास है, और आज आपको पूरा कंपोनेंट का देखने के नज़रिए चेंज हो गया, चेंज हो गया कि भाई कौन सा कैपेसिटर है, मतलब कितने ओम्स का है रजिस्टर, है ना, जी आर वगैरह सारे। मल्टीमीटर चलाना आ रहा है? मल्टीमीटर चलाना आ रहा है। तो जो सर पढ़ा रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जी पूरा सही तरीके से, सही तरीके से जी। रिवॉल्विंग की बात करूं तो रिवॉल्विंग कड़क हुआ? कड़क हो गया सर जी। रिवॉल्विंग में मैंने आज सीपीयू एएमएमसी डबल टेकर सीपीयू किए आपने? कौन से स्टेंसिल से किए थे आप? वो यूनिवर्सल स्टेंसिल, यूनिवर्सल स्टेंसिल से किए थे। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि भाई प्रॉपर स्टेंसिल चाहिए? नहीं 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 नहीं, यूनिवर्सल से भी कर लेंगे, यूनिवर्सल से हो गए। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मैं मोनू जायसवाल, मुंबई से। मोनू जी क्या क्लास चली है आपने? क्लासेस सर अभी हमारा सुबह मॉर्निंग में चला है, एमएमसी का चल रहा है, एमएमसी रिवॉल्विंग का, जो कि हमारा यूनिवर्सल तरीके से, यूनिवर्सल इंस्टेंसल से हम लोग आईसी को रिवॉल्व किए हैं, और अपने आईसी को प्रॉपर बना के सर को दिखाए हैं दो से तीन टाइम जी। तो जो सर का बताने का तरीका है, सर का बताने का तरीका है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है? सर का बताने का तरीका एकदम अलग लेवल का है, जो हम लोग सोचे नहीं थे वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल रहा है। सर का पढ़ाने का टेक्निक बिल्कुल अलग है, और सर का एक एक कंपोनेंट के बारे में बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं हम लोग को। जो भी छोटे मोटे डाउट भी है वो भी ऑन द स्पॉट उसी क्लासेस में हम लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है। बाकी हम लोग उसी चीज़ का आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिकल भी थ्योरी दोनों साथ में हो रहा है। सर के सामने भी प्रैक्टिकल बस थ्योरी हो रहा है, यहाँ पे लैब में आने के बाद भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ में हो जा रहा है जी। तो सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज़ में डाउट नहीं। अपने को जो डाउट रहता है ऑन द स्पॉट वहाँ पे रिजल्ट मिल जा रहा है हम लोगों को जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? हेलो, मेरा नाम राहुल साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। आज हमारी क्लास एमएमसी रिवॉल्व की हुई थी डबल डेकर की जी। सारी एमएमसी सीपीयू मतलब रिवॉल्विंग का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है आपका? यस सर, हमारा सीपीयू एमएमसी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और हम आज सुबह यूनिवर्सल तरीके से, यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपने रिवॉल्व किए हैं। तो जो मैं कंपोनेंट की बात करूं, तो कंपोनेंट में कोई डाउट है या कोई आपको पहचानने में दिक्कत नहीं है या ट्रेसिंग करने में दिक्कत? सर ऐसा समझा देते हैं, ऐसा पढ़ा देते हैं, ऐसा ट्रिक दे देते हैं जिससे हमें ट्रेसिंग कर तुरंत देख के पता चल जाता है कि ये कौन सा कंपोनेंट है जी।
ऐसा ट्रिक दिए हैं देव सर, एमडी सर, ऐसा ट्रिक बताते हैं कि नहीं पहचान तो जाएंगे आप, उसका ट्रेसिंग पता है आपको कि कितने ओम का है? हाँ सर, ट्रेसिंग पता है कितने ओम का है, कितना मल्टीमीटर में एक एक चीज़ बताया जाता है। इससे पहले मेरे को मल्टीमीटर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, यहाँ पूरा हर कंपोनेंट चेक करने में पता चल जा रहा है अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अभी तो और भी दिन बाकी है। यस सर, कल आपकी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास है। यस सर, तो आपको पूरा बोर्ड देखने का नजरिया चेंज होने वाला है। यस सर, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एसआई टेलीकॉम और देव सर को। जी चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रामसो गुप्ता है, मैं मुंबई से हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है आने तो एसआई टेलीकॉम में, और आज मेरा दो दिन में मेरा ईएमसी पावर आईसी सीपीयू का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया गया, और मेरा स्पेयर पार्ट का ये आईसी पहचान सॉरी अपना कंपोनेंट पहचानने का भी पूरा क्लियर हुआ। मैं इसके लिए थैंक्स करूँगा देव सर और एसआई टेलीकॉम को। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम दीपू रहमान है, मैं यूपी से हूँ जी। तो क्या दीपू यूपी थे? जिगुरु रहमान नाम है, यूपी मऊ से जी। क्या क्लास चल रही है आपकी? आज क्लास का दूसरा दिन था, कंपोनेंट का पूरा सब्जेक्ट पूरा हो चुका है जी। और सुबह आए थे पावर आईसी सीपीयू डबल टेकर डबल टेकर सब रिवाल करके लगा दिए थे। कौन से स्टेंसिल से यूनिवर्सल स्टेंसिल? यस सर। तो मैं अभी कंपोनेंट की बात करूं तो कोई भी ऐसा कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, कंपोनेंट दुनिया का कोई भी मोबाइल लाओ, कंपोनेंट तुरंत पहचान बता देंगे और उसकी वैल्यू भी निकाल के बता देंगे कितनी उम्र तक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम प्रवीण है, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। प्रवीण जी, क्या क्लास चली आज? आज हमारी क्लास में सुबह कंपोनेंट की क्लास चली, उसके बाद आज हम दोपहर में उसी का प्रैक्टिस के अभी हम आईसी रिबॉलिंग कर रहे जी। तो जो कंपोनेंट की बात करूं, अभी आपको कोई डाउट है क्या? जी नहीं, मुझे सिंक करने में हो या उसको देखने का कि भाई ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कंपोनेंट ट्रेसिंग की बात करें तो बहुत आसान है, और मुझे सर ने जो ट्रिक बताया जैसे मुझे दिखाया तो मुझे पता चला कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे ट्रेस करना है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुहेल माबरी है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ, और आज सुबह कंपोनेंट की क्लास थी। सुबह कंपोनेंट की क्लास करके अभी जस्ट आया हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, और जस्ट अभी लाई हूँ पावर आईसी, चालू मोबाइल में से पावर आईसी निकाल कर पावर आईसी डन कर दिया। कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट में कोई डाउट है आपको? कुछ भी नहीं सर, समझ में नहीं आया। नहीं कुछ भी नहीं सर, कौन सा भी मोबाइल लेके आओ चेक करके दे दूँगा तुम्हारे को, 5 मिनट में तुम्हारे को कंपोनेंट की सब पूरी जानकारी दे दूँगा जी। चलिए ठीक है, थैंक यू, वेलकम। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दीपक कुमार साहू है, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ जी। मैं दो दिन में हमारा कंपोनेंट का क्लास हो गया है, और मतलब 10 साल से जो कुछ नहीं सीखा है कंपोनेंट के बारे में, दो दिन में पता चल गया। दुनिया में कोई सा भी मोबाइल लाओ मैं बता दूंगा आपको, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे टीचर क्या मतलब वहीं पर थ्योरी होता है, तुरंत ही प्रैक्टिकल होता है। काम कर रहे हैं, कंपोनेंट के बारे में आपको पता नहीं था, तो आप क्या करते थे? खाली आईसी बस निकालते थे क्या? आईसी भी निकाल नहीं पाते थे, यहाँ से आया दो दिन में सीपीयू डुअल टेकर और ईएमसी, अभी मैंने फोन लाइव फोन किया, पावर आईसी डॉन किया है जी। पूरी यूनिवर्सल में किया हूँ जी, मतलब क्या बोलूँ, थैंक्स टू देपसा, थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से, मेरा नाम जयंत हल्दर जी। तो आज एशिया टेलीकॉम में मेरा सेकेंड डे है, तो सर दो दिन में मैं कंपोनेंट और पावर आईसी सीपीयू डबल डेकर रिबॉलिंग करना सीख गया, और दुनिया में कोई से भी आईसी हुआ मैं रिबॉलिंग कर दूंगा कॉन्फिडेंस से। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मेरा नाम अब्दुल मजीद, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अब्दुल जी, क्या क्लास चल रही है आपकी? दो दिन का क्लास हुआ है मेरा, ऑल सेकंड डे की क्लास है। हाँ सेकंड डे का क्लास है, पावर आईसी रिवॉल्विंग, सीपीयू रिवॉल्विंग एंड सारे कंपोनेंट का क्लियरिटी हो गया मुझे दो दिन में।
अभी मैं ये कोई सा भी बोर्ड दूँ आपको और बोलूँ कि ये इनमें से रजिस्टर, कैपेसिटर, ये थर्मिस्टर ढूंढ के बताओ तो आप ढूंढ के बता भी दूंगा, उसका वैल्यूएशन सब कुछ चेक कर, टेस्टिंग भी पता चला, मल्टीमीटर चलाना आ रहा है? हाँ एकदम, ये सब कुछ भी नहीं आता था पहले, पहले कुछ भी नहीं आता नहीं था। और दो दिन में इतना सब चीज़ कैसे? दो दिन में सर, सर का जो ट्रिक है इससे बहुत आसानी से सीखने को मिल रहा है जी, बहुत इजी लग रहा है। और आप दो दिन में जितना सीख गए इतना मैं दुकान में भी कभी नहीं सीख पाया, इतना दिन दुकान चला है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एसी टेलीकॉम, थैंक यू देव सर जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम है कौशिक शर्मा, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। कौशिक जी क्या क्लास चल रही है आपकी? आज मेरा 28 अप्रैल का सेकंड डेज का बैच चल रहा है आज मेरा जी, तो सेकंड डे की क्लास है। हाँ सुबह डुअल डेकर आईसी, कल हमने आईसी रिवॉल्व किया था, ईएमसी रिवॉल्व किया था, आज कंपोनेंट्स का भी सेकंड पार्ट जो है उसका क्लास चालू, कंपोनेंट 2 की क्लास। हाँ कंपोनेंट 2 की क्लास हुआ है आज, हमने ईएमसी सीपीयू रिवॉल्व किया, अभी पावर आईसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बस सर कंपोनेंट के बारे में अगर मैं कोई सा भी आप कोई भी बोर्ड डाउट है क्या? नहीं सर मेरे को कोई डाउट नहीं, कोई भी मोबाइल का बोर्ड पीसीबी दे दीजिए मेरे को, आपको जितना भी जीआर वैल्यू जितना भी है कंपोनेंट्स का सारे कुछ मैं निकाल कर आपको दे सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे? सर वो एशिया टेलीकॉम के पास पॉसिबल है क्योंकि सर लोगों का मतलब बताने का जो टेक्निक है, पढ़ा रहे हैं सारा चीज़ समझा रहे हैं, आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है? हाँ सर, स्टेप बाई स्टेप समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं डायरेक्ट सर को बोलता हूँ, सर खुद बिठा के वहाँ पे मेरे को सिखा देता है कि इसका प्रॉब्लम यहीं पे हो रहा है, उसका ये सॉल्व करके देता है उसी टाइम। चलिए ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी, और मैं यूपी रामपुर का रहने वाला हूँ। क्या क्लास चल रही है आपकी? मेरी इस समय पावर आईसी रिवॉल्विंग जी एंड लगाना जी। तो आज आपकी सेकंड डे की क्लास है, सेकंड डे की क्लास में देव सर की क्लास में आपको क्या समझाने समझे आप? उन्होंने चार कंपोनेंटों की जानकारी दी और सारे कंपोनेंट आज डे टू की क्लास थी, कंपोनेंट टू की थी जी, कल कंपोनेंट वन की क्लास थी जी, और ईएमएमसी रिवॉल्विंग और डबल टेकर सीपीयू और पावर आईसी रिवॉल्विंग और आज लगा भी दी पावर आईसी जी। तो मैं अभी कोई सा भी बोर्ड दूं आपको जी और उसमें बोलूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के बताओ या रजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी सारे कंपोनेंट आपको पढ़ाए गए हैं जी, उनका जीआर वैल्यू क्या आता है क्या नहीं आता जी, है ना जी, दो मिनट में बता दूंगा। तो जो सर पढ़ा रहे हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है आपको? यस, स्टेप बाई स्टेप और तकनीकी बहुत बढ़िया है, ट्रिक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इससे पहले आप कर पाते थे इतना? नहीं, सब चीज़ समझते थे क्या? नहीं समझते थे नहीं, आईसीयू के बारे में जानकारी ही नहीं थी सर जी। चलिए ठीक है, थैंक यू एसी टेलीकॉम के लिए, धन्यवाद जी। क्या क्लास चल रही है आपकी? सर मैं नीरज राजस्थान से जी, हमें आज दूसरा दिन है, हम मोबाइल के अंदर सभी कंपोनेंट के हमें पूरी जानकारी मिल गई है जी। इसके अलावा हम मोबाइल के अंदर कोई सा भी कंपोनेंट दो मिनट या एक मिनट के अंदर बता सकते हैं, कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी हो। यस सर, और हम रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, थर्मिस्टर हो, डायोड हो, कोई सा भी हो, कंपोनेंट में कोई सा भी हो, उसका सारा चीज़ टेस्टिंग, जीआर कितना आता है, कितना वैल्यू आता है, सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है? यस सर, मुझे पहले मल्टीमीटर चलाना नहीं आता था, आज से यहाँ से आने से पहले जी, उसके पश्चात यहाँ आने के पश्चात मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली जी, और देव सर की क्लास बहुत अच्छी रहती है हमारे यहाँ। पहले भी यही मल्टीमीटर यूज़ करते? नहीं सर, हम फिर यहाँ पे मतलब जानते नहीं थे मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानते थे, और अभी आप प्रेसिंग कर रहे हैं सारे जीआर वगैरह निकाल, टोटल एक्स वाई जेड सर, और अभी इस टाइम पावर लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू करिए। सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अनिल एक बोर्ड लेके गया क्या तू भाई को? तो आज हमारी एशिया टेलीकॉम में यहाँ पे दूसरा दिन है, तो आज हमने सुबह डबल टेकर किया और 10 बजे से हमने थ्योरी क्लास लगी हमारी जो देव सर ने लगाई जी, यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और आज हमने सभी कंपोनेंट की नॉलेज ली, और अभी हम पावर पे काम कर रहे हैं, पावर हमने पहले बोर्ड से पावर निकाली, तो अभी हम बोर्ड रिवॉल्व करके लगा रहे हैं दोबारा, तो अभी हम देखते हैं, चेक करेंगे जीआर वैल्यू वगैरह की। मतलब ये सेकंड डे की क्लास में यस सर कंपोनेंट 2 की
वन की ये सारा चीज मतलब कंपोनेंट के मैं अभी कोई सा भी बोल दूंगा आपको यस सर और बोलूं कि ये मतलब इनका कितना जीआर आता है कितना मतलब वैल्यू कितना आता बिल्कुल है। बिल्कुल सर कोई सा भी कंपोनेंट हो बोर्ड में कंपोनेंट पीसीबी में कोई भी कंपोनेंट हो हम बेल जी को बता देंगे बस ओनली दो मिनट में सर जी चलिए ठीक है थैंक यू सर एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर ये आपसे वादा है क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो आपको देगा आपके काम की गारंटी